अमन मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी के आने पर जताई खुशी, कहा कि पहले पीएम है जिन्होंने अमन मंदिर में दर्शन किया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़, लोगों ने लगाए 400 पार के नारे। जयराम रमेश ने पीएम मोदी की ध्यान साधना को बताया आचार संहिता का उल्लंघन, कहा कि 4 जून के बाद पूर्व पीएम हो जाएंगे तब उनके पास वक्त ही वक्त होगा। सपाचिप अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा कि मोदी तो ध्यान करने कन्याकुमारी निकल गए हैं लेकिन गर्मी से परेशान जनता इस बार उन्हें सबक सिखाने वाली है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने विपक्ष को दिया जवाब, कहा कि मेडिटेशन आंतरिक शांति का आध्यात्मिक तरीका है लेकिन ये वो लोग नहीं समझेंगे जो नशा करके थकान उतारते हैं। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बीच पानी का संकट जारी, चाणक्यपुरी में टैंकर पहुंचते ही पानी लेने के लिए मची अफरातफरी, कई लोग टैंकर के ऊपर चढ़े। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में भी पानी के लिए रोज हो रही है मारामारी, टैंकर आते ही एक एक बाल्टी के लिए जूझ रहे हैं लोग। दिल्ली में प्रचंड गर्मी हुई जानलेवा, हीट वेव और लू से एक शख्स की मौत। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप, औरंगाबाद में हीट वेव की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। बिहार के कैमूर में गर्मी का प्रकोप जारी, लू की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। बिहार के आरा में भीषण गर्मी का प्रकोप, हीट वेव की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत, पीड़ित लोगों को अस्पताल में बर्फ से किया जा रहा है इलाज। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में प्रचंड गर्मी हुई जानलेवा, हीट वेव की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। रजौरी के चिंगस और सुंदरबनी रेंज में लगी आग पर अब तक काबू नहीं, लू और गर्म हवाओं से और भड़क रही है आग। अमरावती के मेलघाट क्षेत्र में भीषण जल संकट, प्रदूषित तालाब किनारे गड्ढे खोदकर पानी पीने को मजबूर है ग्रामीण। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी का प्रकोप, आरएमएल हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए की गई व्यवस्था। चुनाव प्रचार थमते ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को नैना देवी के मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद लिया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी की होशियारपुर रैली के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई, पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जगह से 3 किलोमीटर दूर नहर का किसी ने पानी खोला। नहर का पानी हेलीपैड की तरफ तेजी से बढ़ने से मचा हड़कंप, 2 किलोमीटर पहले जेसीबी से गड्ढा खोदकर प्रशासन ने पानी को रोका। बीजेपी के नेता तिशंक सूद की पीएम मोदी की रैली को खराब करने की साजिश का आरोप, कहा कि पंजाब सरकार की शय के बिना कैसे खुला नहर का पानी। चुनाव प्रचार थमने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी किया संदेश, कहा कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की वो अंतिम समय तक स्ट्रांग रूम और पोलिंग बूथ पर नजर बनाए रखें। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव और आईटी सेल इंचार्ज नितेश कार्तिकन की पोस्ट राजभवन में 2 ईवीएम हैकर पी कश्यप और एम के भाई को ठहराने का आरोप, लिखा कि अमित शाह के इशारे पर ठहराए गए हैं हैकर। आरजेडी के आरोपों को राजभवन ने बताया झूठ, ईओयू में लिखित शिकायत दर्ज कराई, ईओयू ने केस दर्ज कर डीएसपी के नेतृत्व में बनाई जांच की टीम। ओडिशा के मयूरभंज में कल वोटिंग मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए मतदान कर्मी। यूपी के सीएम योगी ने चुनाव में किया धुआंधार प्रचार, 65 दिन में 204 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, 169 जनसभा, 13 रोड शो, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए। यूपी के बाहर भी सीएम योगी की बड़ी डिमांड, 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में की रैलियां और रोड शो, दूसरे राज्यों में 44 जनसभाएं, 2 रोड शो की। दिल्ली के फरार आप विधायक अमानतुल्ला की संपत्ति कुर्क करेगी नोएडा पुलिस, इनाम भी घोषित की जा सकती है। नोएडा के पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में कार्रवाई। भारतीय शांतिदूत नायक धनंजय कुमार मरणोपरांत टैग एमोस्कॉट पदक से सम्मानित किए गए। संयुक्त राष्ट्र ने सेवा के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले 60 से अधिक नागरिकों को सम्मानित किया। एयरफोर्स और औद्योगिक कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सम्मेलन का आयोजन डिप्टी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने अध्यक्षता की। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का करीबी साहिल अमेरिका में पकड़ा गया, सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। गुरुग्राम के मानेसर में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तिरुनेलवेली में एक दुकान में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, 6 लोग घायल, आसपास की 2 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। लखनऊ में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर बनाया सैंड आर्ट, तंबाकू छोड़ने का दिया संदेश। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर श्रीनगर में वॉकथॉन का आयोजन किया गया, तंबाकू के हानिकारक प्रभाव और धूम्रपान मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने का संदेश। अमेरिका के मिनियापोलिस में फायरिंग, 2 पुलिस अधिकारी समेत 6 लोग घायल हुए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस में सभी 34 आरोपों में दोषी करार, 11 जुलाई की सुबह 10 बजे होगी सजा पर सुनवाई। आइसलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी से लगातार बह रहा है लावा, जमीन में बनी करीब 2 मील लंबी दरार से जेट की तरह निकल रहा है लावा। मौसम वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी में हो रहे विस्फोटों को पिछली बार की तुलना में ज्यादा जोरदार बताया। ग्रीडविक शहर की तरफ जाने वाली 3 में से 2 सड़क लावा में बही। भारतीय शांति रक्षक मेजर राधिका सेन संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित की गई। मेजर राधिका सेन ये सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूयॉर्क में टीम इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू की, आयरलैंड के खिलाफ 4 जून को भारत का पहला मैच।